तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो अभी मैं हर की पौड़ी आ रखा हूँ और हर की पौड़ी में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि लोग दूर दूर से आते हैं। आस्था की सबकी अलग अलग है और आज काफी भीड़ है। भीड़ तो हमेशा ही रहती है पर अभी शाम को आरती का टाइम है तो यहाँ पर काफी भीड़ है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको सीधा दर्शन कराएंगे गंगा मैया के हर की पेड़ी हरिद्वार से। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है और जैसा कि हमारे भाई हैं भट्ट जी, सही पहचाना भट्ट जी, वीडियो बना रहे थे और मैं भी वीडियो बनाने आया था तो लगे हाथ, मैंने कहा चलो ठीक है मौके का फायदा उठाएं और भट्ट जी से थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो दोस्तों इस समय जो नज़ारा हो रखा है बहुत ही बेहतरीन हो रखा है, जैसा कि आप देखेंगे हमारे पीछे भी उजाला जो देख रहे हैं ना, कितने सुंदर हम नजर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर आप इधर देखेंगे, ये देखिए हर की पेड़ी घंटा घर और पूरा का पूरा भीड़ आप देखेंगे, बहुत अच्छे से भीड़ यहाँ पे हो रखी है। तो चलिए भट्ट जी के साथ में घूमते हैं हम लोग हर की पेड़ी। और हालांकि ये समझ सकते हैं कि आप ये मीटअप भी कह सकते हैं इसको, कि हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में क्या है कुछ आज यहाँ पे खास और कैसा है यहाँ का माहौल हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं शुरू और धूप की जो किरणें इस समय पड़ रही हैं वो वाकई बहुत ही राहत दे रही हैं, बहुत ही आनंद दे रही हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ वीडियो में और आखिरी तक जरूर देखें। ये सामने घंटाघर जिसको कि पहले जो पुराने शहर होते थे उसका सेंटर माना जाता था, बीचों बीच जहाँ पर शहर का केंद्र होता था वहीं पर ही घंटाघर बनाया जाता था। दोस्तों ये सामने है, ये सबसे पुराना ब्रिज हर की पैड़ी का और इसे अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज भी कहते हैं। और इसके ठीक सामने पे जब ही अभी यहाँ पे दिवाली के टाइम जब पानी रोका गया तो इसके ठीक नीचे रेल की पटरी भी दिखाई दे रही थी। और इसके सामने से ये जो दूसरा जो ब्रिज है ये है शिव धनुष ब्रिज, और आप देख लीजिए अभी आपको दिखाता हूँ इसको सही से। ये है शिव धनुष ब्रिज और ये हरिद्वार को और इसके जो बाईपास है उसे जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है यहाँ पर। यहाँ पर इतनी ठंड के बावजूद अभी नवंबर का महीना चल रहा है और फिर भी देखिए लोगों की आस्था, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी देखो लोग नहा रहे हैं तो इतनी ठंड के बावजूद। दोस्तों ये है यहाँ का जो सबसे जो प्रसिद्ध घाट है, यहाँ की सबसे ज़्यादा मान्यता है हर की पैड़ी में, तो ये वही घाट है ब्रह्मकुंड घाट यहाँ का नाम है। मान्यता है कि जब धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश लेके जा रहे थे तो यहीं पर अमृत कुछ बूंदें गिरी थी और इसलिए इसकी ज़्यादा महत्ता है। कुंभ लगता है महाकुंभ और जहाँ जहाँ वो गिरी थी वहीं महाकुंभ लगता है, तो यहाँ पर भी गिरी थी
इसलिए हरिद्वार में भी हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये है यहाँ पर नाई घाट, और नाई घाट में जितने भी पितृकार्य या जो तर्पण होते हैं, पिंडदान होते हैं, जितने भी सारे कर्मकांड जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं नाई घाट में। तो यहाँ पर आपको सारे पंडित मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर, सभी के पंडित अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर सभी पंडितों के लिए अलग अलग वो बना रखे हैं। यहीं पर नाई घाट के बगल में ही आपको अस्थि प्रवाह घाट ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो अस्थियां लाते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर बहाते हैं। धनुष ब्रिज के ठीक सामने पे शिव धनुष ब्रिज, और इसके सामने पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से देखिए जो हर की पैड़ी का जो आधा पानी जो जब हर की पैड़ी से होके आता है, तो उसके बाद आधा पानी इस साइड को जाता है और आधा और आगे के लिए और घाटों के लिए जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो पानी यहाँ से जो इधर के लिए डाला गया है वो यहाँ से सीधा नेशनल हाईवे को पार करते हुए सीधा फिर मेन गंगा है, जो मेन गंगा की नील धारा है वहाँ पे जाके मिल जाता है। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पीछे वो वहाँ से जो हर की पैड़ी से जो पानी आ रहा है वो यहाँ से इस साइड से होते हुए जो आधा पानी है जो वो यहाँ से होते हुए और सीधा जो नेशनल हाईवे जो मेन हाईवे उसके नीचे से होते हुए सीधा मेन जो गंगा है, मेन गंगा की जो नील धारा है वहाँ पर जाके मिल जाता है। और कुछ जो बाकी जो पानी है वो आगे के घाटों के लिए, जैसे बाकी भागीरथी घाट है और आगे ओम घाट है, तो वहाँ के लिए चला जाता है इस साइड के लिए। तो ये शिव धनुष के ठीक सामने पे मैं खड़ा, और यहाँ पर देखिए पानी का बहाव इतना तेज़ है ना, अगर फोन गलती से नीचे गिर गया ना तो फिर हो गया, फिर बन गई था वीडियो। और यहाँ पर देखिए कितना गहरा है, देख के ही लग रहा है कितना गहरा होगा। तो यहाँ पर खाने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ का व्यू तो अलग ही है। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ अगर आप हर की पैड़ी आएँ, तो एकदम सीधा शिव धनुष ब्रिज के ठीक सामने पर ही है, आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। ये पिलर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर तीन ब्रिज थे पहले, तो अभी कुछ कारणवश वो ब्रिज निकाल दिए गए हैं, और बोल रहे हैं कि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो तीनों ब्रिज फिर से लगा दिए जाएंगे। तो वैसे बिना ब्रिज के ही सही लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है पीछे मस्त। अभी ये सारे ब्रिज यहाँ रखे हुए हैं पार्क में, और जब ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो फिर से ये ब्रिज वहीं लगा दिए जाएंगे जहाँ पहले थे, अपने जगहों पर। अभी गंगा आरती का टाइम हो चुका है, तो सभी को यहाँ से ऊपर जो मेन पुल है तो पुल से हटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भीड़ नहीं होने देते, और जो जिसको आरती में शामिल होना है वो नीचे बैठ पहले ही बैठ गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, लगा लो।